नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं रही। कल हार्ट अटैक होने की वजह से उनका दिल्ली में निधन हो गया था। इंदिरा हृदयेश ऐसे नेताओं में से एक थी जिनका मकसद सिर्फ विकास करना ही था, और उत्तराखंड की राजनीति को एक अलग मुकाम पर पहुँचाने में भी इंदिरा हृदयेश का अहम योगदान रहा। चलिए आज उनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। ग्यारह जून को जो इंदिरा हृदयेश राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसे दो दिन बाद दुनिया को अलविदा कह देंगी। 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने 80 की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली, और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने नम आंखों से इंदिरा हृदयेश को अंतिम विदाई दी। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे, निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे। इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच काफी लोकप्रिय थी, और आम जनता भी इंदिरा हृदयेश को उनकी सादगी को लेकर काफी पसंद करते थे। इंदिरा हृदयेश ने सालों के अपने राजनीतिक करियर में उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए और प्रदेश में काफी कुछ विकास के काम किए। खासकर कुमाऊं मंडल में उनको मदद का मसीहा माना जाता रहा था। इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1974 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पहली बार चुनी गईं, जिसके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार अभिभाजित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुनी गई। साल 2000 में अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनी और प्रखरता से उत्तराखंड के मुद्दों को सदन में रखा। साल 2002 में उत्तराखंड में जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो हल्द्वानी से विधानसभा का चुनाव जीती और नेता प्रतिपक्ष बन विधानसभा पहुंची, जहां उन्हें एनडीए तिवारी सरकार में संसदीय कार्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को देखने का मौका मिला। इंदिरा हृदयेश का एनडीए तिवारी सरकार में इतना बोलबाला था कि उन्हें सुपर मुख्यमंत्री तक कहा जाने लगा था। उस समय ये प्रचलित था कि इंदिरा हृदयेश जो कह दें वो पत्थर की लकीर है, उसे एनडीए तिवारी सरकार भी नहीं काट सकती थी। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2012 में वो न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीती बल्कि विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य सहित कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा हृदयेश के पास ही रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर हल्द्वानी विधानसभा से जीत हासिल की। इस दौरान कांग्रेस विपक्ष में थी और उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इंदिरा हृदयेश को उत्तराखंड की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि यूपी और फिर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक अति सक्रिय और अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आज निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बता दें, इंदिरा का 7 अप्रैल 1941 को अयोध्या में जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उनके पास बीएड और पीएचडी की भी डिग्री थी। उनके 3 बेटे हैं। इंदिरा हृदयेश का नाम पिछले 4 दशक से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं में शुमार रहा। वैसे तो इंदिरा हृदयेश सीएम बनाए जाने को लेकर कई बार चर्चा में आई, लेकिन राज्य गठन के 2 दशक बाद भी मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाया।
पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली इंदिरा हृदयेश के मुख्यमंत्री बनने को लेकर उनको कई बार मलाल रहा। इसको लेकर हरीश रावत और उनके बीच कई बार जुबानी जंग भी चली। पूर्व सीएम एनडीए तिवारी की वो बेहद नजदीकी मानी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।